हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आई एम सॉरी कल का वीडियो मैं नहीं बना पाया, बट आज का वीडियो जो है वो जैम पैक्ड है। हम लोग देखेंगे कि यार ये बिटकॉइन का जो मैसिव मूव आया है, अब ये मूव कंटिन्यू होगा या फिर ये एक फेक आउट है, और हम लोग एक डंप देखने वाले हैं। ढेर सारी न्यूज है और वो टॉप के ऑल्ट कॉइन्स जो हमें फेब मंथ में देखने हैं, और अगर अच्छे बाइंग जोन में है और उनको एक्यूमुलेट करना है, कौन से हैं वो टोकन्स, वो सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए मेरे भाई, बिना वक्त जाया किए वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कॉइन गेको से। तो कॉइन गेको में करंट मार्केट कैप अगर आप देखते हो तो 1.99 ट्रिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है। हम लोग बिटकॉइन का डोमिनेंस 39.7, इथेरियम 18%, बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट 42K के आसपास। ओके, सिर्फ एक बुरी चीज है यहाँ, या एक दिक्कत है, वो दिक्कत है बिटकॉइन के फ्यूचर्स जो 40,640 पे क्लोज हुए हैं। करंट प्राइस है 41,000। सो मेरे भाई, छोटा सा गैप है लेकिन वो गैप क्लोज करके ही आगे बढ़े तो वही अच्छा है। ओके, दूसरी बड़ी चीज अगर तुम देखते हो ना, ये रेड बॉक्स जो है ये बहुत पुराना रेजिस्टेंस है। तुम देखो 2000, मैं ये बॉक्स को क्लोज करता हूं और इसे थोड़ा जूम आउट करता हूं, तो यहां अगर तुम देखते हो तो 2021, एक साल पहले से ये रेजिस्टेंस जो है वो बहुत क्रिटिकल है। हम यहां से बहुत बुरी तरह रिजेक्ट हुए, सपोर्ट, फिर यहां रिजेक्ट हुए, फिर सपोर्ट, और फाइनली रिजेक्ट, एंड वापस हम लोग इसी रेजिस्टेंस के आसपास है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस इतनी आसानी से यहाँ ब्रेक नहीं होगा। ओके, एक सिनेरियो क्या हो सकता है यहाँ, वो मैं तुम्हें बताता हूं, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। तो अगर मैं यहां से ये ब्रश लू तो मेरे भाई देखो, होगा क्या, यहां से हम लोग ना ये रेड बॉक्स को ब्रेक करेंगे। ओके, ब्रेक किया, अभी पहले हम लोग गैप क्लोज करेंगे, सो वो होना ही है, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हम लोग ब्रेक करेंगे, 45-46K के आसपास जाएंगे। ओके, 45 के आसपास हम लोग जाएंगे, सब लोग यहाँ लॉन्ग ओपन करेंगे, और भैया ये वापस यहाँ से डंप, यहाँ सब लॉन्ग जो है वो लिक्विडेट, लोग वापस खत्म। सबको यही है कि हम लोग बेरिश मार्केट में जाने वाले हैं, यहाँ से फटक से रिवर्सल और हम निकले अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। ऐसा क्यों? एक तो तुम जो बिटकॉइन का बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है डबल बॉटम, तुम वो बना दोगे। ओके, उसके बाद इन लोगों ने यहाँ जितने भी शॉर्ट वाले थे उनको लिक्विडेट किया, वापस डंप, जितने लॉन्ग वाले थे उनको लिक्विडेट किया, पूरा पैसा वापस वेल्स के पास, और वेल्स यहाँ जबरदस्त पंप देंगी बिटकॉइन को, और बिटकॉइन जाएगा 72-73K के ऊपर। ओके, अब ये पॉसिबल सिनेरियो है, मुझे नहीं पता 100% ये चलेगा कि नहीं, बट जितना मेरा बिटकॉइन और क्रिप्टो में अभी एक्सपीरियंस रहा है मेरे भाई, यही होने वाला है। ओके, मंडे एक छोटा सा करेक्शन, और अगेन तुम्हें वो समझेगा कब, अगर तुम देखो मंडे का मार्केट ओपन होता है ना, तो तुम CNBC के ऊपर अगर जाओ, आई डोंट नो वो मैंने बंद कर दिया है नहीं, हाँ, तो CNBC के ऊपर अगर तुम जाओ ना तो देखो कि स्टॉक फ्यूचर्स कैसे ओपन होते हैं। हमारे 6:30 बजे सुबह अगर तुम CNBC आवाज भी लगाओगे तो तुम्हें वो भी बता देंगे कि कैसा मार्केट ओपन हो रहा है, S&P और डाउ जोन्स, उसी के ऊपर इंडियन मार्केट और मेरे भाई अपना क्रिप्टो मार्केट सब रिलाय करता है। ओके, तो मुझे वही लग रहा है कि थोड़ा नेगेटिव वो ओपन होगा, जिसके साथ बिटकॉइन क्या करेगा, अपना डिप क्लोज करेगा, मतलब वो गैप क्लोज करेगा, गैप क्लोज करके फिर से एक पंप 45 तक, जिसमें शॉर्ट्स लिक्विडेट, एक और डंप भैया जिसमें पूरे के पूरे लॉन्ग्स लिक्विडेट, हम लोग 34-35,000 डॉलर्स के आसपास आएंगे और यहां से जुप। तो हमारा जो लॉन्ग है, मतलब तुम देखो हम लोग काफी दिनों से, मैंने तुम्हें बोला कि पैसा साइड पे रखो, वो पैसा हमें यहाँ पे काम में लेके आना है। ओके, तब तक वो पैसा साइड पे ही रहेगा। ओके, अब तुम देखो मार्केट जो है वो काफी बुलिश होता जा रहा है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 37 पे हम लोग, ये बहुत महीनों के बाद ये नंबर देखा है हमने। ओके, होपफुली ये वीक के एंड तक हम लोग जो है वो वापस न्यूट्रल या फिर ग्रीड में आ जाएंगे और प्राइस भी जो है वो ऊपर जाना शुरू करेगा 45-46 तक। वहां से जैसा कि मैंने बोला एक मैसिव डंप। ओके, ट्रेडर्स
को लग रहा है कि भैया ये जो ब्रेकआउट आया है ये जेन्युइन ब्रेकआउट है और उन लोगों ने अब भर भर के पैसा डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो बहुत देर से साइडलाइंस पे ही वेट कर रहे थे कि करे और क्या करे। अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया है प्रॉपर वॉल्यूम के साथ, कंफर्मेशन के साथ, इसीलिए तुम देख सकते हो $800 मिलियन के बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस से अब छू हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त न्यूज है और यही व्हेल्स चाहते हैं कि ये सब लोग मार्केट में वापस आए। अब ये लब तो आ गए, अब आगे क्या। ओके सो इसीलिए थोड़ा और ध्यान से, थोड़ा और पेशेंस। एनीवेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा है ही, अगर बिटकॉइन ऊपर के ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, तुम्हें प्रॉफिट ही मिल रहा है, नहीं जा रहा है तो ट्रेड लेने में यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके क्रिप्टो मार्केट ने पहले ही हफ्ते में फेब के तुम देखोगे $160 बिलियन जो है वो मार्केट में आए हैं बिटकॉइन, क्योंकि 40K के ऊपर है। जो यूएस के सेनेटर्स है उन्होंने भी चुपचाप डिप बाय किया है भैया, $50,000 का बिटकॉइन वो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। ओके बिटकॉइन को देखो, मैंने पहले भी बोला था कोई भी बैन नहीं कर सकता, चाइना ने बैन करने की कोशिश की, सबके सब माइनर्स कहां मूव हो गए यूएस में। यहां एक कम ऐसा फैमिली को फोर्स किया गया कि भैया तुम टैक्स पे करो, इन लोगों ने अपना बोया बिस्तरा उठाया और पोर्टुगल चले गए जहां पे उनको 0% टैक्स देना है क्रिप्टो करेंसी पे। इंडिया में भी वही होने वाला है, ये लोग अगर ज्यादा लोगों को पुश करेंगे, ये एक ऐसी चीज है जिसे लेके तुम कहीं पे भी जा सकते हो, तुम किसी पे रिलाय नहीं कर सकते हो या रिलाय नहीं करते हो सॉरी। ओके सो इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम देखो क्रिप्टो का फ्यूचर है, क्रिप्टो का बहुत ब्राइट फ्यूचर है एक्चुअली। ओके कोई इसे बैन नहीं कर सकता, कोई इसे रोक नहीं सकता और कोई तुमसे तुम्हारी फ्रीडम छीन नहीं सकता, इसीलिए हम लोग जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके ये तो बात हुई बिटकॉइन की, ऑल्ट कॉइन्स जो अच्छे हैं, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स पे जाने से पहले अगर हम लोग इथीरियम देखें तो इथीरियम भी $3,000 छू चुका है। ओके हम लोग ये अपर रेजिस्टेंस को भी एक्चुअली ब्रेक कर चुके थे, बट अगर तुम देखो एक्चुअली मेरा लाइन ही वैसा है, सो लेट मी जस्ट फिक्स दिस। तो हम लोगों ने इस पैटर्न को अच्छे से ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ, सो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक रेजिस्टेंस जो था उसे भी ब्रेक कर दिया है और इथीरियम भी $3,000 के ऊपर जाएगा, $3,400 के आसपास। ओके बट अगेन यहाँ फोमो नहीं, हम लोग वेट ही करेंगे ट्रेड लेने के लिए। इन्वेस्टर्स मेरे भाई एक्युमुलेट करते रहो डिप्स में, अभी जब ऐसा बढ़ रहा है ऊपर तब उंगली मत करो। ओके अब इसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो अगर तुम देखते हो तो शिबा इनू 25%, और ये टोकन बहुत बहुत जबरदस्त, ये भी आज का हमारा एक टोकन है जो हमें डिस्कस करना है तो उसी पे चलेंगे थोड़ी देर में। गैला 22%, एक्सी इन्फिनिटी ये दूसरा टोकन है जो हमें डिस्कस करना है 18%, मैना 10%, लूब्रिंग 10%। ओके लूब्रिंग का भी रिसेंटली हमने फिर से वीडियो बनाया था तो मेक श्योर वो वीडियो देखो। सो मैं वही कह रहा हूँ यार, देखो अब ये जो टाइम है ना ये तुम्हारा लास्ट अपॉर्चुनिटी है ऑल्टकॉइन सीजन के पहले, लास्ट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद लूपरिंग जो है वो ऑल टाइम हाई कुछ $3 या $4 बनाया था, तो भैया अब वो $10 पे जाने वाला है, वहां तुम्हें प्रॉफिट्स लेने हैं, लेकिन ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है और हमें साथ के साथ प्रॉफिट्स लेते रहने हैं बिना सोचे। और तुम्हें कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें डेली अपडेट दूंगा कौन सा टोकन बेचना है और पैसा यूएसडीटी में मूव करना है। ओके अब वो बहुत क्रूशियल टाइम है, सो अब बिल्कुल गलती मत करना, हर रोज वीडियो देखो, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो और एक भी वीडियो मिस मत करो। ओके और कभी अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर अपडेट्स देता हूं, सो मेक श्योर वो ग्रुप भी ज्वाइन करो, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं अभी टाइम बहुत क्रूशियल है, ऐसा बटोरना है और बेयर मार्केट के लिए तैयार होना है। सो इसलिए भैया अब फुल रोल योर स्लीव्स और तैयार हो। ओके अब बात करते हैं वो टोकन्स की जो आने वाले समय में या इस महीने में बहुत जबरदस्त मूव्स दिखाने वाले हैं। सबसे पहले है कार्डानो। कार्डानो के लिए मैसिव न्यूज भी आई है जहां उन्होंने अपने ये डेडलेस वॉलेट का जो है वो एक अपडेट लॉन्च किया है। ओके सो अब उन्होंने काफी चीजें इसमें फिक्स की है, नया वर्जन है, काफी इंप्रूवमेंट्स है उसमें और मतलब बहुत कुछ है। और कार्डानो के लिए सिर्फ ये एक न्यूज नहीं, कार्डानो लगातार कुछ ना कुछ मेहनत करता जा रहा है। और मेरे भाई अगर तुम टेक्निकली भी ये चार्ट देखते हो तो बहुत जबरदस्त अब ये जो कंसोलिडेशन थी वो चल रही है।
कार्डानो में भी अगर तुम देखते हो तो ये एक रेजिस्टेंस है जो उसे ब्रेक करना है, और अब वो सीधा इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा जो $1.4 के आसपास है। ओके, सबसे पहले उसे इस येलो लाइन को ब्रेक करना है जो है 1.26, और मे बी यहाँ जहां ये दोनों चीजों को एक साथ ब्रेक करेगा और वापस $4 के टारगेट की तरफ निकल जाएगा। ओके, जबरदस्त टोकन है, जबरदस्त फंडामेंटल्स है, और टेक्निकली भी ये टोकन जबरदस्त स्ट्रांग है। ओके, कार्डानो के बाद शिबा इनू, आपने ऑलरेडी देखा आज अच्छा खासा उसमें मूव आया है। इस टोकन को 26% वेल्स, ओके 26% वेल्स जो है वो ऑलमोस्ट पूरा शिबा इनू टोकन जो है वो कंट्रोल करती है। ओके, और वेल्स सीधा डंप नहीं करने वाले हैं, तो ना ही होने वाला है। वो वेल्स इसे होल्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यही वो टोकन है जो उन्हें मिलियनेयर बनाने वाला है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना पूरा पैसा इसमें डाल दो। मैंने हमेशा बोला मीम टोकन है, सो मेरे भाई उतना ही डालो जितना गवा सकते हो, इसलिए ज्यादा पैसा इसमें नहीं। लेकिन अगर तुम टेक्निकली देखते हो तो ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट आ चुका है। ये जो उसका एक सपोर्ट था उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और बहुत बढ़िया उसको टेस्ट किया है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब बिटकॉइन गिरेगा ना तो ये भी ऐसे आके एक डबल बॉटम बनाएगा और फिर ऊपर जाएगा। तुम्हें अगर ट्रेड लेना है या बाय करना है तो मेक श्योर इसी प्राइस पे वापस बाय करो जो है 1817, या तुम 19 पे भी बाय कर सकते हो। 19 पे बाय करके होल्ड करो, क्योंकि अब जो है वो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को तो ब्रेक करेगा ही, उसके बाद वो एक नया हाई बनाएगा, और वो नया हाई है तुम्हारा जी हाँ 12 के ऊपर। ये मतलब तुम देखो 10 गुना गेन्स है यार, यहाँ से 10 गुना, एक जीरो कम हो रहा है। सो ये बहुत जबरदस्त ट्रेड है, लेकिन उतना ही पैसा डालो जितना गवा सको, क्योंकि मुझे ये मीम टोकन्स पे इतना विश्वास नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा पैसा डाल के रखा है भैया, बूम आया 10x 20x आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट टोकन पोलका डॉट, जो ये वेब 3 में भी जबरदस्त है, लेयर 0 प्रोटोकॉल भी है, और ये वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट है कार्डानो डॉट, क्योंकि मुझे पता है ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में कुछ कर रहे हैं। चाहे इनके प्राइस में सुपर डुपर गेन्स ना आए, लेकिन मेरे भाई ये प्रोजेक्ट इतना स्ट्रांग है कि ये भी इथेरियम की तरह $3,000-4,000 तक जा सकते हैं। ओके, तो फंडामेंटली बहुत बहुत जबरदस्त। टेक्निकली भी अगर हम लोग देखें तो डॉट फिलहाल जो है तुम देखो ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, जिसका $21 का, जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ये 30 को टेस्ट करेगा, 30 ब्रेक होता है तो वापस 50 को टेस्ट करेगा, 50 ब्रेक होता है तो $72 जो है वो डॉट का नेक्स्ट टारगेट होगा, और $100 के ऊपर ये टोकन इजीली जाने वाला है, मतलब बिना किसी शक के इजीली $100 के ऊपर। ओके, सो अच्छे बाइंग जोन में है, इसीलिए मैं कहूंगा कि देखो अगर बाय नहीं किया है तो भैया बहुत बढ़िया टाइम है, बाय किया हुआ है पैसा साइड पे है तो ये डॉलर कॉस्ट एवरेज करने के लिए बहुत अच्छा है। बट अगेन बिटकॉइन के वो डंप का वेट करो ताकि तुम ये सब एक साथ उठा सको। ओके, डॉट के बाद लास्ट टोकन जो है वो है एक्सी इन्फिनिटी, 40% जो है वो उसमें गेन आए है, काफी पिट चुका था ये टोकन इसीलिए ये हाल है। काफी इवेंट्स भी इनके अगर तुम देखोगे तो लाइंड अप है, सो ये प्रोजेक्ट भी वन ऑफ द मोस्ट प्लेड गेम्स में से है। चाहे ये पेटा है वो इसीलिए यार, क्योंकि $15 से वो कुछ $150-200 तक गया था। ओके, इसीलिए उसकी वाट लगी, बाकी तो ऐसा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आज भी वो दिन भूलता नहीं है जब हमारे एक भाई ने यहाँ बोला था कि बाय करो, वहां से ये प्रोजेक्ट देखो सॉलिड रैली पकड़ी है उसने, तुम देखो $160 और करंट प्राइस जो है वो 60 है। ओके, अभी भी तुम्हें थोड़ा वेट और करना है, क्योंकि तुम्हें एक शायद ये $40 के अराउंड बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, बट इस प्रोजेक्ट को छोड़ना मत। ओके, तुमने ऑलरेडी बाय किया हुआ है यहाँ, तो मेरे भाई इससे परफेक्ट बाइंग जोन और कोई था नहीं। तुमने नहीं किया है तो यहाँ $37-38 के आसपास इसे जितना बटोर सको बटोर लेना, क्योंकि उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो इजिली $255 हिट करेगा, और ये फ्यूचर है गेमिंग का। ओके, तो तुम अभी से मान लो सोनी या वैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसके बारे में कोई नहीं जानता, सो वैसा प्रोजेक्ट है ये। ओके, और लोग इतना गेम ये वाला खेलते हैं तो हमें पता है कि भैया कोई छोड़ के भाग नहीं रहा है। सो थोड़ा और वेट,
और जैसे ही तुम्हें ये 38-39 डॉलर के आसपास मिले, इनफैक्ट तुम 40 पे लगाओ ताकि थोड़ा ऊपर ही बाइंग करो, और बाइंग करके भैया होल्ड करो, ये प्रोजेक्ट तुम्हें मैसिव गेन्स देने वाला है, मैसिव, 40 डॉलर से 255 डॉलर। ओके, और मैं क्यों इतना स्ट्रांग हूँ, बुलिश भी हूँ, तुम्हें देखो मैंने बताया था कि ये सोलाना के केस में भी वही हुआ, तुम्हें याद हो तो मैं कब से तुम्हें बोल रहा था 82 पे बाय करेंगे, 82 से आज वो 112 डॉलर के ऊपर है। ओके, तो आने मतलब महज कुछ 3-4 दिन में ही 43% का गेन, 43%। सो मेरे भाई यही सेम गेन तुम्हें एक्स इंफिनिटी में भी मिलेंगे। सोलाना तुमने मिस किया तो थोड़ा और वेट करो, मे बी एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले 85-90 तक, और वहां उसे बाय करो, प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है और 530 डॉलर के ऊपर इजिली जा सकता है। ओके, तो ये वो क्रिप्टो कॉइन्स है जो हमें अब के जो फाइनल डिप में बाय करने हैं, क्योंकि ये एक तो लार्ज कैप टोकन्स में है, तो ये सबसे पहले मूव करेंगे, उसके बाद हम इनसे प्रॉफिट निकालेंगे, स्मॉल कैप्स में डालेंगे, और यही हमें करना है। ओके, और तुम्हें ये सब जानने के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके, और डेली वीडियो देखना है। ओके, सो अगेन बिटकॉइन थोड़ा बहुत गिरेगा, गैप कवर करेगा, वापस ऊपर जाएगा, फिर फाइनली गिरेगा, सो मेक श्योर बी अलर्ट, और फोमो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो चलो मेरे भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।